अस्सलाम वालेकुम। आप में से काफ़ी फ्रेंड ऐसे होंगे जिन्होंने पेज तो बना लिया लेकिन उनका पेज ग्रोथ नहीं हो रहा। वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन एंड टाइम ये होता है कि वो पेज छोड़ देते हैं या फिर उनसे वो ग्रोथ होता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आप किस तरह अपना जो फेसबुक पेज है उस किस तरह उसकी रीच इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स गेन कर सकते हैं, वो भी एथिकल वे से कि आप अगर फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसे आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि फेसबुक का एल्गोरिथम वो क्या है, वो किस तरह काम करता है, किस तरह वो आपकी हेल्प कर सकता है कि आप फेसबुक पेज को इंक्रीज करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। मैं इंस्टा पे भी एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, फेसबुक एल्गोरिथम क्या है। दोस्तों हर चीज़ को बनाने के लिए ना प्रोग्रामिंग जब की जाती है किसी भी चीज़ की तो उसकी बैकएंड में एक छोटा सा एक सेट ऑफ रूल्स या एक प्रोसेस बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशंस या वो जो जिस मकसद के लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो उसके मुताबिक वर्क करता है। लाइक अगर हम फेसबुक पे अगर रीच गेन करना चाहते हैं जो फेसबुक के बैकएंड पे जो उन्होंने एल्गोरिथम बनाया होगा सेट ऑफ रूल्स या स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हम बहुत ईजिली से हम रीच कर सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज यही है ना, अगर हम पेड एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिकली हम काम नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक हम रीच चाहते हैं तो हमें फेसबुक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करना होगा। जो उसने हमें सेट ऑफ रूल्स बताए हैं, जो हमें उसने कंडीशन बताई हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हम बहुत जल्द रीच हासिल कर सकेंगे, जो अपना पर्पज़ है वो हम हासिल कर सकेंगे। दोस्तों आज तक कोई भी एल्गोरिथम को हैक नहीं कर सका, कोई भी क्रैक नहीं कर सका। क्यों? क्यों फेसबुक का जो 99% रेवेन्यू जनरेट होता है वो फेसबुक पेज एडवर्टाइजिंग से होता है। तो अगर कोई इंसान कोई मार्केटर फेसबुक के एल्गोरिथम को क्रैक कर लेता है तो वो कभी भी पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ मूव नहीं करेगा, तो जिससे फेसबुक का जो है बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए फेसबुक ने इसे सीक्रेट रखा हुआ है, किसी को भी नहीं पता कि फेसबुक का जो टोटल एल्गोरिथम है वो क्या है। बस जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं फेसबुक के एक्सपर्ट, उन्होंने जो टिप्स बताई होती हैं उस पर हम वर्क करके या जो फेसबुक अपडेट्स देता है न्यू अपडेट्स तो उस पर वर्क करके हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ उसका फ्यूचर की तरफ उसका रुझान है। तो उस पर हम वर्क करके अपने जो फेसबुक पेज है या फेसबुक पे कोई भी ऑब्जेक्टिव है हमारी हम उससे गेन करते हैं। 2020 में जो फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम में अपडेट्स किए हैं उसमें उसने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया अपने कंटेंट पे किया है, क्योंकि कंटेंट इज़ द की। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर इंस्टा पे जाते हैं तो वहाँ कंटेंट कोई और है तो वो किसी और कंटेंट को प्रमोट करता है। अगर आप इंस्टा पे जाते हैं ट्विटर पे जाते हैं लिंक्डइन पे जाते हैं तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी कंडीशन है, अपने एल्गोरिथम, अपने सेट ऑफ रूल्स है। तो आप फेसबुक की जिस तरह यहाँ बात हो रही तो मैं फेसबुक में बताऊँगा कि आप किस तरह से रीच हासिल कर सकते हैं। तो फेसबुक जो कंटेंट प्रमोट करता है वो वीडियो कंटेंट है। अगर आप देखें पोल की सबसे कम रीच होती है। अगर आप पोल क्रिएट करते हैं अपने पेज पे उसकी सबसे कम रीच होती है, उसके बाद स्टेटस आ गए जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी पोल से, उसके बाद पिक्चर्स की आ गई उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसके बाद वीडियो कंटेंट आता है। वीडियो कंटेंट की बहुत रीच है इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो प्रमोट कर रहा है जो फेसबुक वो वीडियो कंटेंट है, क्योंकि इस टाइम जो वो फीचर ला रहा है अपने अब एल्गोरिथम में वो भी वीडियो से रिलेटेड है। एक वॉच पार्टी हो गया या इस तरह से वीडियो इनसाइट उसने जो क्रिएट किया क्रिएटर स्टूडियो में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि वो यूट्यूब को कम्पीट करे और अपनी जो ऑडियंस है जो YouTube की तरफ मूव कर रही है उसको वो चाहता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे रोक के रखे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा है कि वो वीडियो कंटेंट उस पर अपलोड किया जाए उसके प्लेटफॉर्म पे Facebook पे। और अब तो उसने ये भी कर दिया कि आप सर्च करके अपनी जो है कंटेंट सर्च कर सकते हैं, लाइक जिस तरह आप YouTube पे जाते हैं अपने कंटेंट सर्च करते हैं तो इसने अपने जो सर्च का एल्गोरिथम वो भी चेंज किया कि आप सर्च करके भी अपना कंटेंट फाइंड कर सकते हैं फेसबुक पे। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो शेयरेबल होना चाहिए, मीन उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ने वाला आ रहा है वो उसको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिले, कुछ ना कुछ मोटिवेट मिले उससे, कुछ ना कुछ उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, उसको उसका सोल्यूशन मिले, तब वो आपका कंटेंट शेयर करेगा। इस तरह शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए। क्लिकबेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ऊपर कुछ और लिखा हो अंदर कुछ और बताया गया हो,
मीन के आप चीट ना करें, फेसबुक की जो ऑडियंस है उसे कभी भी चीट ना करें, वरना आपकी जो पोस्ट की रीच है वो बिल्कुल कम हो जाए, आपका पेज कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। जितना हो सके अपने जो ऑडियंस है आपकी पेज पे जो ऑडियंस आती है उसे क्यूरीज करें, उससे उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे पूछें, उनसे उनका सलूशन उन्हें बताएं। तो हमेशा एवरग्रीन कंटेंट प्रोड्यूस करें अपने पेज पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, हमेशा वो कंटेंट क्रिएट करें जो हमेशा रहने वाला है। ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो व्यूवर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक उसके देखने आते हैं, बाकी जो एवरग्रीन कंटेंट होता है उसको वो हमेशा के लिए चलता है। अगर इंसान 1 साल बाद भी आपके पेज पे आता है तो वो उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन होगा, वो उसे देखेगा, उस पर रिएक्ट करेगा, उसे शेयर करेगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल उस पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट है और आपने पेज बनाया हुआ है तो आप अपने जो कस्टमर है उनका इंटरव्यू भी अपलोड कर सकते हैं इस पेज पे। इसके अलावा आप हाउ टू पोस्ट भी कर सकते हैं। हाउ टू पोस्ट वो होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अगर आप मुझे फॉलो करें मेरे पोस्ट पे, मेरी जो ज़्यादातर पोस्ट वो हाउ टू से स्टार्ट होती है। मीन हाउ टू एक ऐसा कीवर्ड है जो कि मोस्टली लोग सर्च भी करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। एक आपके जो पेज की इनसाइट है उससे जितना हो सके उससे आप एनालाइज करें, आप देखें कि आपकी जो ऑडियंस है आपसे किस टाइम इंगेज हो रही है, किस टाइम वो आपके पेज पे ऑनलाइन आती है, किस टाइम आपके पेज को देखती है, किस टाइम आपके पेज पे रिएक्शन करती है, तो आप उस टाइम अपना जो कंटेंट है वो अपलोड करें। अगर आपकी ऑडियंस इवनिंग में ज़्यादा इंगेज होती है आपसे, ज़्यादा ऑनलाइन होती है, तो आपको चाहिए कि आप इवनिंग में अपना जो कंटेंट है वो अपलोड करें। अपने पेज का ग्रुप बनाएं, उसको अपने पेज से लिंक करें। तो ये भी एक नया मेथड है कि आप किस तरह अपने जो पेज को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो ग्रुप में एक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक पेज के। हैशटैग यूज़ करें जो आपकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं। अरेलीवेंट अगर इरेलीवेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका इंक्रीज होने के बजाय बल्कि आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। जो है जो फेसबुक के न्यू अपडेट्स आते हैं उन्हें आप यूज़ करें। अगर जो है उन्होंने फेसबुक पेज की स्टोरीज को अपलोड किया है, अपने फीचर में ऐड किया है, अपने फेसबुक एल्गोरिथम में ऐड किया, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके फेसबुक पेज की स्टोरीज है उसे यूज़ करें, क्योंकि जो नया फीचर आता है फेसबुक का वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि वो नया फीचर होता है, जितने लोग उसे ज़्यादा करते हैं वो उसको ज़्यादा रीच प्रोवाइड करते हैं। तो जो फेसबुक के न्यू फीचर आते हैं उससे काइंडली आप यूज़ किया करें। कभी भी आप यूट्यूब का लिंक फेसबुक पेज पे अपलोड ना करें, इसकी रीच बहुत कम होगी। आप अगर आपके मिलियंस में भी फॉलोअर हैं तो फिर भी आपकी जो रीच है वो ना होने के बराबर होगी। इसलिए कभी भी यूट्यूब का लिंक फेसबुक पे अपलोड ना करें, क्योंकि फेसबुक कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ऑडियंस जो है यूट्यूब की तरफ जाए। ये दोनों जो है कंपेटिटर है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे का नुकसान तो कर देंगे लेकिन फ़ायदा कभी भी नहीं करेंगे। तो आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। कोई भी लिंक, किसी भी किस्म का लिंक अगर YouTube का है तो आप कभी भी अपलोड ना करें उस पर। देखा, इस तरह हम अपने जो है पेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको मजीद कोई क्यूरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।